हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शून्य एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने यूपीपीसीएस के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल कोर्स के बारे में। बेसिकली इस कोर्स में हम लोग क्या क्या आगे चलकर देखेंगे एंड इस कोर्स में हम लोग टॉपिक को कैसे डिस्कस करेंगे एंड ये चीज़ एग्ज़ाम के लिए कैसे इम्पोर्टेंट होगा एंड कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, हम बेसिकली इस वीडियो में इसी के बारे में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले चूंकि ये वीडियो ओपन टू ऑल है, मतलब कि ये वीडियो हमारे एप्लीकेशन पर भी अपलोड होगा एंड साथ में ये वीडियो हमारे यूट्यूब के चैनल पर भी अपलोड होगा। तो जितने भी साथी लोग यूट्यूब का चैनल हमारा देख रहे हैं, सबसे पहले अनुरोध है कि आप सभी लोग सुन अकेडमी का यूट्यूब का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद इस वीडियो को अपने यूपी की तैयारी करने वाले सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर करें। ओके, तो अब चलिए हम बात करते हैं कि हमारे इस कोर्स में क्या क्या होगा। देखिए, ये जो हमारा कोर्स होगा ये सिर्फ़ और सिर्फ यूपी के एग्ज़ाम से संबंधित है। जो एग्ज़ाम मतलब जिस एग्ज़ाम में यूपी के प्रश्न आते हैं, यूपी से संबंधित प्रश्न आते हैं, उस एग्ज़ाम के लिए ये कोर्स इम्पॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि ये अगर आप एमपी की तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है ये उसके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगा। ओके, तो अगर आप यूपी के एस्पिरेंट हैं या फिर यूपी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। ओके, तो अगर हम बात करें यूपीपीसीएस में यूपी स्पेशल के बारे में, तो देखिए 2015 का टाइम हो गया, 2016 का टाइम हो गया, इवन 2013 14 के आसपास बहुत सारे आते थे प्रश्न। अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 प्रश्न तो आ ही जाते थे। बट उसके बाद जैसे कि 2017 18 19 20 हो गया, उस टाइम पे प्रश्न आने की संख्या बहुत ही कम हो गई, बहुत ही डाउन हो गई। मतलब कि यूपी से संबंधित एग्ज़ाम में बिल्कुल भी प्रश्न आते नहीं थे, राइट। तो उसके बाद बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला किया, तो फिर आयोग के ऊपर एक बोझ आया कि यस, हमको भी यूपी के प्रश्न इसमें डालने चाहिए। तो पिछले 2-3 सालों से यूपी के प्रश्न अब आना स्टार्ट हो गया है। जैसे कभी 5 आ गया, कभी 8 आ गया, कभी 10 आ गया, कभी 12 आ गया, तो इस तरह से प्रश्न आने लगे। जैसे कि इस बार का जो यूपी पीसीएस हुआ था या फिर जो पिछली बार का आरओ हुआ था मेंस में, अप्रॉक्सीमेटली मेंस में 15-18 के आसपास प्रश्न आए थे। तो मतलब कि ये है कि अब आने वाले टाइम में यूपी के प्रश्न तो आएंगे। अब जैसे अगर हम दूसरे एग्ज़ाम की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम आरएएस की बात करते हैं, आरएएस में 150 में से आप ये मान के चलो अप्रॉक्सीमेटली 75 प्रश्न तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से ही होते हैं, राइट। अगर हम बिहार की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली बिहार में, मतलब जो भी बिहार का जैसे कि बीपीएससी हो गया, वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 प्रश्न तो बिहार से ही देखा जाता है। साथ में अगर हम बात करें एमपी का, मतलब कि अगर हम एमपीपीएससी की बात करें, तो एमपी के वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 प्रश्न देखे जाते हैं। तो मतलब कि अन्य जितने स्टेट के एग्ज़ाम हैं वहाँ पर स्टेट के कम से कम नहीं तो 20 से 25 प्रश्न तो आते ही आते हैं। आरएएस में एग्जैक्टली मतलब वहाँ पर तो 50% प्रश्न सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का होता है, राइट। तो अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं या फिर आप अन्य किसी स्टेट के स्टूडेंट हैं तो शायद आपके लिए आरएएस का एग्ज़ाम फाइनल क्वालिफाई करना शायद पॉसिबल ना हो, बिकॉज़ वहाँ पर आप ये देखो ना टोटल 50% प्रश्न आते हैं। बट अगर हम बात करें यूपी का तो यूपी में टोटल 150 प्रश्न आते हैं। बट आप ये देखो, जब पिछले टाइम पे जैसे कि 2017-18-19 का टाइम हुआ या फिर 20 का टाइम हुआ, वहाँ पर यूपी के सिर्फ 3-4-2 प्रश्न आते थे। मतलब कि 145 के आसपास प्रश्न अगर आप किसी अन्य स्टेट से हैं तो आप यूपी के प्रश्न को आसानी से कर सकते, मतलब कि आप यूपी पीसीएस का पेपर आसानी से कर सकते थे। तो अब फिर बीच में काफ़ी सारे बच्चों ने शोर मचाया, हल्ला किया, तो फिर आयोग जाग गया है, तो अब यूपी के प्रश्न आना शुरू हो गए हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 10-12-13 प्रश्न, 18 प्रश्न तो आ ही जाता है, 15 प्रश्न जैसे आरओ या रूम हुआ था। तो आप ये
मान के चलो आगे आने वाले समय में अप्रॉक्सीमेटली 20 या फिर 22 प्रश्न तो होगा ही होगा यूपी का, राइट। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए जो यूपी का एग्ज़ाम है ना वो एक्चुअली यूपी पीसीएस जो है ना वो अपने आप को कंपेयर करता है यूपीएससी से। तो यूपी पीसीएस अपना सारा पैटर्न यहाँ से ले रहा है। बाकी अगर आप अन्य स्टेट के एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर प्रश्न देख के ही पता चल जाएगा कि मतलब यूपीएससी का प्रश्न कैसा होता है और बाकी उस स्टेट का प्रश्न कैसा होता है। बट अगर आप यूपी पीसीएस का पेपर देंगे तो आप खुद देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर हम स्टैटिक सब्जेक्ट की बात करें या फिर अगर हम स्टैटिक सेक्शन की बात करें तो प्रश्नों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ऑफकोर्स जाहिर सी बात है यूपीएससी अपने लेवल पर खेल करेगा, बट यूपी पीसीएस भी कोशिश कर रहा है कि हम भी यूपी पीसीएस की तरफ हम भी यूपीएससी की तरह जाएं। बट इनका जो करंट अफेयर का सेक्शन है ना वो अभी भी पहले के टाइम के जैसा है या फिर अन्य के अन्य स्टेट एग्ज़ाम के जैसा है। तो आप करंट अफेयर का जो सेक्शन है आप वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच करेंगे, ना कि यूपीएससी की तरह अप्रोच करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने ये बात किया कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस का जो करंट अफेयर का सेक्शन है पेपर का पैटर्न है, राइट। तो अब देखिए अगर अब आगे चल के यूपी पीसीएस में अगर यूपी के प्रश्न आएंगे तो उसमें दो तरह से प्रश्न होंगे। अगर हम यूपी स्पेशल की बात करें, एक तो वो होंगे परंपरागत वाले जो कि पहले आते थे, एक तो ये वाला सेक्शन हो गया जैसा कि पहले आता था, और जो अभी का सेक्शन है जो अभी अभी आने लगा है वो है करंट का सेक्शन। पहले स्टेट में ये वाले सेक्शन आते ही नहीं थे, एक तरह से आते थे तो एक या दो प्रश्न आते होंगे, अदरवाइज ये वाले सेक्शन बिल्कुल नहीं आते थे, ये वाले ही सेक्शन आते थे। बट अब ये वाला सेक्शन ये भी इंक्लूड हो गया, तो आप ही मान के चलो जब भी आएगा प्रश्न तो 50% प्रश्न यहाँ से होगा प्लस 50% प्रश्न आपका यहाँ से होगा। अगर आपने इसमें से कोई भी सेक्शन छोड़ दिया तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो हम इसमें क्या देखेंगे, जो हमारा ये कोर्स है हम इसमें बेसिकली जैसे कि ये वाला सेक्शन है इसमें क्या आएगा, इसमें जैसे कि सरकार की योजना हो गई या फिर कोई रिपोर्ट हो गई जो यूपी को अफेक्ट करती है, जैसे कि नीति आयोग की कोई रिपोर्ट जिसमें यूपी का जिक्र है या फिर करप्शन का कोई रिपोर्ट, राइट, या फिर वोमेन की कंडीशन का कोई रिपोर्ट या फिर फॉरेस्ट का कोई रिपोर्ट, फॉरेस्ट कवर वाला जो आता है, ये वाले सेक्शन आपका इसमें आ जाएगा रिपोर्ट में। मतलब कि जो हमारा करंट अफेयर का सेक्शन होगा उसमें ऐसे प्रश्न आएंगे, प्लस साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा कोई चर्चित व्यक्ति जो कि यूपी से है, वो किसी भी रीजन से चर्चा में है, उस पर प्रश्न बन सकता है, जैसे कि किसी की डेथ हो गई है या फिर कोई खेल में कोई अच्छा काम किया है या फिर कोई वो देश के लिए मेडल लाया है या फिर तैराकी में आया है कुछ ऐसा, या फिर वो कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से वो काफ़ी है न्यूज़ में, तो यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। तो इस तरह से या फिर कोई चर्चित स्थान जो कि काफ़ी न्यूज़ में है जैसे कि रामसर साइट वगैरह हो गया, तो ये सारे सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं करेंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आप ये देखो अगर जो चीज़ करेंट में है अगर वो चीज़ अगर आयोग अगर उसको यूपी स्पेशल में लेकर क्वेश्चन पूछेगी तो उसका तो एक तरह सा जो ये था प्रॉब्लम कि यार यूपी के प्रश्न नहीं आते उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। तो इसलिए आयोग हमेशा इस तरह से प्रश्न अब ज़्यादा पूछेगा, यहाँ से भी आएंगे प्रश्न बट वो अप्रॉक्सीमेटली 50% आएंगे एंड 50% वो आएंगे। तो ये जो हमारा मॉड्यूल चल रहा है तो हम अपने इस मॉड्यूल की बात करें तो हम इसमें क्या देखेंगे, देखिए ये जो हमारा मॉड्यूल है
चूँकि ये सेपरेट मॉड्यूल है तो यानी कि हमारे पास टाइम की कोई कमी है नहीं, तो हम चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में देखेंगे ए टू जेड, सो दैट सारे टॉपिक ईजिली कवर हो जाए। और जाहिर सी बात है चूँकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है टाइम, तो हम चीज़ों को बिल्कुल डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे सो दैट आप सभी का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, राइट। तो हम इसमें ये बात करेंगे, हम इसको बेसिकली दो तरह से लेके चलेंगे, एक तो जो कि यूपी का स्पेशल हो गया सेक्शन, जो कि परंपरागत वाला पार्ट हो गया, दूसरा करंट अफेयर का सेक्शन हम इसमें लेकर चलेंगे। हम इन सारे टॉपिक को ऐसे नहीं कंप्लीट करेंगे, हम बल्कि इन टॉपिक को यहाँ के थ्रू कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। जैसे कि इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो कि काफ़ी ज़्यादा है न्यूज़ में, हम इसके थ्रू हम इन पूरे सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे कि मतलब यूपी में कहाँ पर कौन सा फेस्टिवल होता है या फिर कौन सा मेला कहाँ पर होता है, कौन सी जनजातियाँ हैं न्यूज़ में, इसके थ्रू हम यहाँ पर सारी जनजातियाँ कंप्लीट कर लेंगे। ऑलराइट, उसके साथ साथ जनगणना की बात करेंगे, ये तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा बिकॉज ये बिल्कुल सेपरेट सेक्शन है और यहाँ से हर साल आता ही आता है प्रश्न, जनगणना से हर साल कम से कम नहीं तो एक प्रश्न तो आता ही आता है, बाकी दो से चार प्रश्न भी देखने को आ जाता है बट एक प्रश्न तो कम से कम आता है। अब जैसे वन स्थिति रिपोर्ट हर ये हर दो साल में एक बार आती है, जैसे कि 2021 की आखिरी में आई थी शायद, 2019 में आई थी, 20 में नहीं आई थी, 21 में आई थी, तो 22 में अब आएगी नहीं, अब आएगी 2023 में। फॉरेस्ट कवर वन रिपोर्ट, राइट। उसके साथ साथ ओहो उसके साथ साथ बजट हो गया, ये बेसिकली हर साल आता है तो जाहिर सी बात है ये करंट में आएगा एंड इससे संबंधित यहाँ पर कोई सेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। मतलब कि कहने का ये मतलब है हम इनके थ्रू इस सेक्शन को पूरा कंप्लीट करेंगे, डिटेल करेंगे। जैसे कि यातायात के साधन की बात करें तो जैसे हो गया रेलवे हो गया, ये बेसिकली यहाँ पर आएगा रेलवे प्लस एक्सप्रेसवे हो गया, राइट। एंड इम्पोर्टेंट फेस्टिवल वो तो हम लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया, जैसे कि कुछ जनजातियाँ हैं वो हम यहाँ पे जब करेंगे तो हम इसको यहाँ भी करते जाएंगे, तो हम मतलब दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे जिससे कि आपका कोई भी चीज़ जिससे कि आपका कोई भी चीज़ ना छूटे। अगर हम बात करें कुछ इकोनॉमी के सेक्शन की तो उसमें क्या आता है, तो देखिए जब भी हम इकोनॉमी के सेक्शन की बात करते हैं, सॉरी जब भी हम एनवायरनमेंट के सेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर हमको बेसिकली एनवायरनमेंट से संबंधित चीज़ें ही देखने को मिलेंगी, जैसे कि रामसर साइट अक्सर आता है न्यूज़ में, तो ये बेसिकली एनवायरनमेंट में आ जाता है कि यूपी में कौन कौन सी रामसर साइट है, कहाँ कहाँ पर हैं, एक तो ये चीज़ होना चाहिए पता, और उसके अलावा कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। खाद्यान्न की बात करें, जैसे हम अगर इकोनॉमिक की बात करें तो एग्रीकल्चर कैसा है, राइट, एग्रीकल्चर में यूपी किस नंबर पर है, किस नंबर पर कौन सा स्टेट है, एक तो यहाँ से प्रश्न आता है। प्लस खाद्यान्न की अगर बात चली है, मतलब कि अगर कृषि की बात चली है तो हम इसको पानी से कैसे सींचेंगे, नदी से सींचेंगे या फिर हम इसको इससे सींचेंगे,
नदी हो गया, नहर हो गया, और इसके अपवाह तंत्र की बात भी आ जाएगी। अपवाह तंत्र प्लस यूपी में कौन कौन सी नदियां हैं, ये सेक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर एग्रीकल्चर के थ्रू हम ताल यानी कि झील को भी हम देख सकते हैं, तो यूपी में कौन कौन सी झील कहाँ पर है और कौन सी झील का उद्गम स्थल क्या है, उद्गम स्थल क्या है, तो ये सेक्शन इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जैसे ये अगर हम बात करें इकोनॉमिक की, तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है पार्क, काफ़ी सारे पार्क होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल पार्क हो गया, राइट। चमड़ा उद्यान कहाँ पर है, कौन सा चमड़ा उद्यान कहाँ पर है, एंड उसके अलावा हवाई अड्डा आ गया, राइट। हवाई अड्डा कौन सा, हवाई अड्डा कहाँ पर है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कौन सा राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से प्रश्न आते हैं, आ भी सकता है, राइट। साथ में आपका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, एक्सप्रेसवे यूपी में कौन कौन सा एक्सप्रेसवे है, कहाँ कहाँ से, कहाँ से कहाँ तक है, उन सब की डिस्टेंस कितनी है, इन सभी की जानकारी एक तो होनी चाहिए, राइट। उसके साथ में अच्छा देखिए, ये वाला जो हमारा सेक्शन होगा ना, जाहिर सी बात है हम इसमें सब कुछ देखेंगे, एंड इस एक वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल तो है नहीं, बढ़िया हम जब एक एक करके देखेंगे तो हम सारे चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में देखते जाएंगे। दूसरा ये कि हम इन सब सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, तो इन सेक्शन को कंप्लीट करने का हमारा एक अलग तरीका होगा, राइट। क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स हैं अवेलेबल, एंड आप चाहें तो आप उन बुक्स को लेकर पढ़ भी सकते हैं, बट यस आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर समस्या फेस करना होगा। हम इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ यूपी के एग्ज़ाम से जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं हम बस वही हम कराएंगे, जिससे कि कम टाइम में ज़्यादा ज़्यादा चीज़ हो सके कवर, और एग्ज़ामिनेशन में ज़्यादा ज़्यादा आपका मार्क्स आ पाए। जैसे अगर कोई है टॉपिक, हम टॉपिक को हम पहले यूपी का मैप बनाएंगे, हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले यूपी का एक परिचय वाला लेंगे क्लास, जिसमें काफ़ी सारे फैक्ट होंगे, चीज़ें आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, हम इन सब चीज़ों को हम बेसिकली यूपी के मैप से कराएंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा ज़्यादा फैक्ट आपका तैयार हो सके। दूसरा जैसे कि हम कुछ खनिज की बात कर रहे हैं, यूपी में कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, राइट, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, राइट। तो अब हम ऐसे अगर हम आपको ये बताएंगे कि यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है, तो हो सकता है आप शायद भूल जाएं कल को, इट माइट बी पॉसिबल आप शायद भूल जाएं या फिर कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन अगर हमने यूपी का एक मैप बना दिया, राइट, अगर इस सेक्शन हमने शो कर दिया कि यहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है, तो आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी कि यस यहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है, या फिर हो सकता है इसके आसपास के एरियाज में भी यूरेनियम पाया जाता हो, बिकॉज वो एक खनिज है, तो जाहिर सी बात है वो फैला भी हो सकता है। अब अगर जैसे ऑप्शन में दे दिया कि यूरेनियम पाया जाता है, चार ऑप्शन हो गया, एक हो गया मथुरा हो गया, एक हो गया गाजियाबाद हो गया, एक हो गया मेरठ हो गया, और एक हो गया झांसी हो गया। आपने झांसी के बारे में तो कभी कुछ नहीं पढ़ा है, बट आपने इतना तो देखा है कि यस यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता, तो आप उसके बेसिस पे आप झांसी ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। तो मैप के थ्रू पढ़ने का यही एक बेनिफिट होता है कि चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, और अच्छे से याद हो जाती हैं, और आपको चीज़ें कोई भूलती नहीं है। तो हमारा जितना भी होगा ना लेक्चर, जितना भी टॉपिक होगा जो भी यूपी से संबंधित होगा, हम सब में यूपी का सबसे पहले मैप बनाएंगे, उसके बाद चीज़ों को सिखाएंगे। तो अब बात आती है कि ये जो हमारा होगा कोर्स, ये कोर्स स्टार्ट कब से है, तो देखिए ये कोर्स ऑलरेडी हो चुका है स्टार्ट, राइट। हमने इससे पहले ऑलरेडी यूट्यूब के चैनल पर एक वीडियो आ भी चुका था, आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे। तो देखिए आप इस कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली हमारे वेबसाइट courses.sunacademy
डॉट इन पर जाना होगा, www.courses.sunacademy.in पर जाना होगा। एंड आप यहां पर जाके अपनी आईडी बना भी सकते हैं और आप यहां से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली चाहे तो हमारा एप्लीकेशन शून्य अकेडमी का आप एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसका पे आपको जो इसका चार्ज पे करना पड़ेगा वो होगा 1199 रुपया। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या हम देंगे सो आप इस कोर्स को परचेस करें। तो देखिए, ये जो हमारा होगा कोर्स, हम इसमें आपको वीडियो लेक्चर देंगे, अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 वीडियोस में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। वो चीज़ डिपेंड होगा कि वीडियो की लेंथ क्या होती है। अब जैसे कि अगर एक वीडियो की लेंथ अगर एक घंटा है तो हो सकता है ये 25 घंटा भी हो सकता है टोटल, या फिर अगर एक वीडियो की लेंथ अगर 1:30 है तो हो सकता है ये 20 घंटे में भी कंप्लीट हो जाए। तो ये चीज़ वीडियो की लेंथ पे डिपेंड करेगी कि वीडियो का लेंथ या फिर टॉपिक कितना बड़ा है, राइट। दूसरा चीज़ हम इसमें आपको देंगे टेस्ट देंगे, राइट, क्योंकि हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि आपने एक बार पढ़ लिया तो आपका भी काम हो गया हमारा भी काम हो गया, नहीं, हम इसमें आपको ऐसे हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हम इसमें आपको देंगे टेस्ट। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको बोला कि यहाँ पर 50% जो खेल है वो है आपका डायनामिक का है, प्लस 50% आपका है करंट अफेयर। तो हम इसमें आपको दो तरह का टेस्ट देंगे, एक तो होगा जो कि करंट अफेयर का होगा और एक हो गया जो आपका स्टैटिक सेक्शन है। हम दोनों में आपको तीन तीन टेस्ट देंगे, हर एक टेस्ट में 100 प्रश्न होंगे, राइट, हर एक टेस्ट में 100 प्रश्न होंगे, तो टोटल 300 प्रश्न स्टैटिक में मिल जाएंगे प्लस 300 प्रश्न आपके करंट अफेयर में हो जाएंगे, मतलब कि टोटल 600 प्रश्न हो जाएंगे। अब जैसे कि कुछ आया प्रश्न, जैसे कि यूपी में चमड़ा पार्क कहाँ पर है या फिर यूपी में लेदर पार्क कहाँ पर है, काफ़ी लोग यहाँ पर होते हैं कन्फ्यूज़ कि यार आगरा में है या कानपुर में कहाँ पर है, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न आ गया तो जाहिर सी बात है आपको होगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन। तो इसके लिए हम आपको क्या देंगे, हम इसके लिए आपको टोटल 6 टेस्ट का हम आपको इसके लिए वीडियो डिस्कशन भी देंगे, सो दैट आपका डाउट यहाँ से हो सके क्लियर। साथ में हम साथ में आपको वीडियो लेक्चर और टेस्ट के अलावा हम आपको PDF भी देंगे, सो दैट आप सारे टॉपिक को अपने से भी पढ़ सकें। बस इतनी सी थी बात, तो आई होप आप सभी को ये आ गया होगा समझ में कि इस हमारे जो ये हमारा कोर्स होगा इसमें क्या क्या होगा। बाकी अगर आपको कोई भी आती समस्या, आप सभी को कोई भी आता है डाउट, तो आप सभी इस फ़ोन नंबर पर हमको फ़ोन करके या फिर आप व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9289897575, ये हमारा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप का भी यही फ़ोन नंबर है, तो आप चाहे तो व्हाट्सएप करें चाहे तो फ़ोन करें, जो भी मन करे वो करें, एंड या फिर आप सिंपली हमारी वेबसाइट courses.sunacademy.in पर जाके कोर्स परचेस करें। अगर इसके बारे में और भी डिटेल में जानना हो तो आप हमारी जो हमारी दूसरी वेबसाइट है sunacademy.in पर जाके आप इस कोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप लोग फ़ोन SMS कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।